हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं थोड़ा नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। सो टाइम हो रहा जी, तो दिन दसना बहुत जरूरी है, 10:11:21 जो तुसी देख पा रहे हो, तो क्योंकि तुसी आपदा कीमती समा कढ के 15 या 20 मिनट मैनू दिंदे हो ते आपदा प्यार दिखाउंदे हो, वीडियो देखदे हो, क्योंकि समा बहुत कीमती है। सो तुहानू दसना बहुत जरूरी है। सो अज मैं कित्थे जा रहा, अज मैं जा रहा जां तां काराकुल या फिर चोलपन आता। हुण ये चोपन आता कहिंदे आ, बट मैं तुहानू स्पैलिंग दसदा, CHOL चोल PON पौन फिर ऐ डंडी ते ATA आटा, चौल पौन आटा। सो ये बनते हैं वैसे तो, बट ये जो प्रोनाउंस करते हैं उन्होंने चोपन आता। सो चोपन आता लई मैं बस तुहानू दसदा, इतने कई बस स्टैंड आ, कई बस स्टैंड कई रेलवे स्टेशन इन्हां सिटीज़ दे विच हुंदे, बट इतने रेलवे स्टेशन इक्को ही आ ते इक्को रूट ते ट्रेन चलती आ, सिर्फ बिश्केक तो बालचुक ते बालचुक तो बिश्केक, 3 दिन इधरों जाती है 3 दिन उधरों आती है। इधरों सवेरे 7 बजे जाती है बिश्केक तो बालचुक, तो बालचुक तो आती है शाम को 5 बजे, 4-5 घंटे की ट्रेन है, तो उसका किराया है सिर्फ 60 से 70 रुपये। अज सोमवार आ, सो अज जाती नहीं, नहीं तो मैं सोचा जी बालचुक तक ट्रेन पर चलते हैं, इको इकलौती ट्रेन है इतों की, क्योंकि पहाड़ा करके इतने जी ट्रेन आ वो है नहीं। सो एक बार मैं देख लेना, मैं चौंक ते मेन किधर जाना, ओके आप इधर मुड़ना करके ट्रेन जी इको ही जाती है। सो वैसटन बस स्टेशन आना जो उत्थे जाना, वैसटन बस स्टेशन तो बस मिलनी है। सो आप चलते हैं वैसटन बस स्टेशन वाली साइड। मैनू इदा लग नहीं रहा कि मैं इंडिया तो बहर घूम रहा, कूड़े के ढेर जेडे कि चंडीगढ़ भी इदा कई थावान पर मतलब कई सैक्टर्स के ना लगे होंगे, हुण तां थोड़ा थोड़ा ढकन लग गए, नहीं तो पहला इदा ही लगे रहते। सो इत भी तुसी देख सकते हो मेरे पिछे वो लग्या होया ढेर, मतलब लोगों के घर का कूड़ा, तो इतने भी सेम खंभियां दे उत्ते पोस्टर लगे हुए ने, तो इदा ही आ देखो जिहड़ा प्लाट नहीं विकिया उहदा झाड़ बूट जिहड़ा उग रहा होया। सो सेम उदा की फीलिंग ही मैनू जिहड़ी आ रही है, पिछली वीडियो भी तुसी मेरे मूँह तो 2-3 बार सुन लिया होना, तो अज फिर आ जी रोड पर मैं तुर रहा, गूगल दिखा रहा महात्मा गांधी स्ट्रीट। तुम्हें पता बड़िया ने कहा भगत सिंह की फोटो नोटा पर, तो बड़िया ने विरोध क्यों किया कि नहीं नोट पैरों के भी रुलते हैं विवाह शादियों के। सो साडा भगत सिंह जिहड़ा पैरों के नहीं रुलना चाहिए, सो कदे भी नहीं लगनी चाहिए। सो ये चीज़ भी बड़े बड़े समझदार लोगों ने गल भी कही सी, तो गल कित ना कि बाद लोग एगरी भी कर गए, पहला एक बार गल उठी बाद लोग एगरी कर गए कि हाँ गल सही है। इतों का बस स्टेशन जिते कि मिनी बसिस मतलब जड़ियाँ आही फॉक्स वैगन तो मर्सिडीज़ दियाँ टेंपू ट्रैवलर टाइप नहीं होंगे, कह सकते हैं अपने फोर्स दियाँ होंगे, तो वी क्लास टाइप जिदा पुरानिया या नवीं भी है इतने, वो सारिया इतने लगिया हुई ने। पिछे मैंने मिलया एक बंदा, वो टैक्सी से लैके जा रहा है, वो मंग रहा है 500, तो हूँ एक मिलया वो कहता 300। चोपन आता हरोशो काराकोल 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 बुस दिस सर थैंक यू 3010 раз поедем на такси टैक्सी 3-10 поедем сразу 3-4 चोपन आता दिसन ओके विच आई फाइंड बुस। यार 300 कह रहे हैं, चोपन आता बुस स्पष्टीवा यार चोपन आता ही चलते हैं, सादा कुछ नहीं, काराकोल बहुत लेट हो जाए, काराकोल अगर 140 किलोमीटर, चोपन आता इतों 300 के करीब होगा, 250 बंद हो गई है। चोपन आता बुस चोलपन आता बुस वन दिस करो चोपन आता नहीं है कुछ काराक नहीं ये कुछ और लिखा बी लिखा, मैंने पढ़ना तो आ गया पर मैंने जोड़ जोड़ अक्षर पढ़ने पैंदे है। चोपन आता बुस चोपन आता बस
Спасибо. Чолпоната бус? Чолпоната? Спасибо. 10 नंबर काउंट करते हैं तो देख रहे हैं फिर आ चोकोला तो बस दा 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 चोकोला वो दवाई तो ये टिकट चोपना था राजीव ना दवाई दवाई और चीज जिंग ओके सुन का चार्जर हां मैं तो मैच ओके दो ला बहन ने हो गया ना पहला बैग रख लो कहना सो मैं बैग रख ला बैग करता छोटे नाल गल बात व्हेन डिड यू कम बस अपन मिल गई है 300 इने लाया सोम किर्गिस्तानी सोम सो 300 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸੋ $4 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ 500 ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਤੋਂ ਬਜੇ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਯੂ ਨੋ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬਸ ਟੂ ਚੌਪਨ ਤੱਕ 3 ਆਵਰਸ ਯਾ ਹੈਲੋ जी आप पहुँच गए हैं चोलपनाता चोलपोन आटा चोपनाता सो सब तो पहले मैं बुक किया रिजॉर्ट 10 नोमैडिक बाई की वीडियो देखा सीगा सो मैंने ठीक लग्या वो और इतने है भी बहुत थोड़े जी आ सो मैं क्या उत्थे चलते हैं पहले मैं लभ लवा तो फिर तुम्हें दिखा प्यारा लग रहा देखने तो धुप्पा पर थोड़ी जी ठंड ज़्यादा लग रही है बिश्केक रेस्टोरेंट सगा मैं इतने आया वैजीटेरियन दिन वो कुछ खास नहीं है बट सैलड आ सैलड तो मैं क्या यार अलग तो ही कट्टे उन्होंने आंटी ने कहा तो एक चाह मैं क्या भी दुध वाली बना दो सो भाई बना रहे अपने लिए तो कुछ इंडिया टाइप वाला फील नहीं आ रहा तुम देखो इदा उत्ते लगे हुए इतने बह के ही खाते हैं सारे है ना जिदा बनाया हुआ रेस्टोरेंट बार नॉर्मल रोड आ थोड़े थोड़े पहाड़ जेडे ना ले लद्दाख टाइप वाले लग रहे हैं लेकिन लद्दाख की खूबसूरती मैं थोड़ी ज़्यादा लगती है खैर इनू एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता बट मैनू मेरे समारा के जो होस्टल का होस्ट है ना उन्हें दस्या कि सच्चाई कुछ होर आ बाकी आप देखते हैं है तो बहुत प्यारा लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं कह सकते होस्टल वाले ना मेरी गल हो गई उन्हें मैंने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दी उदा लोकेशन है नहीं वो मैं सोचा नोमैडिक भाई ने भी क्यों ये बारे सुजैसट किया आ देखो आ बैड आदा बैड आ पूरा रूम इन्होंने मैंने देता 500 सोम लिया मतलब इंडिया का 430-440 रुपये आ इधरों कुछ इदा का व्यू आ बहर तो मैं थोनू दूजा कैमरा हूँ घुमा के ना पूरा टूर दे दिना एक बार बहुत सोहना बनया हुआ आ मेन गेट आ इतों मैं आया उपर हो इतने सोफे लगे हुए आ फ्रिज पे सारा कुछ तो इधर हैगा वॉशरूम तो होर रूम हो गए ठीक है यार बहुत प्यारा आप शूज लाते हैं आ मेरा कुछ समान ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 10 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਇੱਕ ਹਾਲ ਆ ਤੇ 3 ਰੂਮ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੈਟ ਘਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੂਮ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੂਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਠੰਡ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਛਾ 6-7-8 ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 10 ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਪਨਾਟਾ ਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਲੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ 10 ਨੰਬਰ ਹਾਊਸ ਆ
गूगल लोकेशन लोकेशन नहीं आती कुछ भी। सो 10 नंबर हाउस है तो वह ना रखता रिजॉर्ट, रिजॉर्ट 10 बन गया। खैर तुम उन्होंने कॉल करोगे तो वो तुम्हें लोकेशन भी वैसे भेज देंगे। मैं इदा ही किया, मैं कॉल की तो लोकेशन उन्होंने भेजती सी। यार सवेर का भुखा वो खादा सैलड जहाँ खादा चाह पीती है तो जस्ट दो केले खाधे है। पर फिर भी मैं सोचा चलो पहला वीडियो बना के आने क्योंकि सूरज ढलना जाए। वैसे तो सूरज हले बहुत खड़ा, तकरीबन 1:30 का टाइम हो गया तो फिर कुछ खावे। आ देख के थोड़ी फीलिंग थोनू पंजाब के किसी पिंड वर्गी नहीं आई। इधर आ कि इधर हूँ ये नहीं पता। थोड़ी एनर्जी आ रही है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल जी है। बट ठंड लग रही है, अभी जिदा मैं छां चो लंघिया तो ठंड लग रही है। पिंड ही है यार, इनू तुसी सिटी या कुछ नहीं कह सकते। टूरिस्ट करके ना रोड के उत्ते वो बन गए हुए आ, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह बन गए हुए। अदरवाइज ये पिंड ही आ, शहर नहीं है ये। पता लग रहा यार इधरों तो नहीं कितने टप के जाना सी, पता नहीं यार इधर तो मैं वापस घूम जाऊँ शायद इधर ही हो गए। काफ़ी लगिया हुई हैं, मैं क्या एक तोड़े लेने देखते हैं। ओहो यार ये खराब हो गई, आ तोड़ लें पता नहीं किदा की होगी। अच्छी भी लगी हुई है, बड़िया प्यारिया सुधा खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है, इतने जंगल ही जंगल है। मैंने कुछ दिसता रहा नहीं, मेरा पिछे रह गया। इधर माउंटेन्स देख रहे एक साइड बड़े प्यारे, तो जंगल दे विच कोई फार्म हाउस टाइप किसी ने बनाया, पर खंडर ही लगता इन्ना तो कोई इतने रहिंदा होगा। इस को नहीं दिख रही, मैप चला के देखा, मैप नहीं वर्क करता यार इदा। शायद मैं जाता उधर नहीं रहा, हाँ मेरी डायरेक्शन तो यही है। वो पहाड़ देखो किन्ने सोहने लग रहे हैं। हाँ देखो जिदा कि एशिया तो स्विट्जरलैंड नू कहा जाता, मैं पिछे भी थोड़ा जिदा दस्या सीगा, बट ना उदा नहीं। बट यार वाकई पहाड़ों का रंग कुछ मिट्टी वाले आ, कुछ काले जे आते हरे हो गए, और तीन रंगा के पहाड़ बनते हैं। स्विट्जरलैंड कुछ लाल पीले जे भी बन जाते हैं, उदा नहीं। बट है गलबात सोहना जरूर लग रहा उन्ना नहीं, खैर जिन्ना फोटो के थोड़ी एडिटिंग ज़्यादा हो जाती है, बट है बहुत प्यारा सच्ची। ये है इसा को लेक जी, आप किनारे ते खड़े हैं तो ये लेक ही है। वो देखो उपर पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब समुद्र टाइप की फीलिंग नहीं आ रही। बट लोग जोड़े आ इतने फिर भी आपका बीच टाइप का माहौल बना के, जिदा वोल्गा रिवर तो थोड़ा दसा, वोल्गा थोड़ी छोटी सी वो रिवर सी ना, बट ये तो जी है ना काफ़ी ज़्यादा है कि वो देखो उधर पहाड़ दिख रहे हैं सूँ सारे वाइट वाइट, शायद इंडिया भी इधर ही होगा। इधर होगा हाँ इधर होगा। इसा का मतलब हूँ गर्म, तो कुल का मतलब हों लेक किर्गिस्तान की लैंग्वेज के। सो य गर्म नहीं है, यह है ठंडी नॉर्मल है, बट यदा वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, डेड सी जिन्ना तो नहीं लेकिन काफ़ी सॉल्टी आ। सो दे करके की आ कि जी लेक आ एक जमदी नहीं, क्योंकि इतने टेंपरेचर -25 हो जाता। सो यह 25 टेंपरेचर के जमदी नहीं, सो वह ना जमण करके फिर गर्म हो गई ना एक तरह की कि हाँ बी जमदी नहीं, जो सब हर चीज़ा जम जा नहीं जमदी। सो ता करके ना जोड़ा इसा कुल लेक है, तो पानी जोड़ा काफ़ी साफ है, बिल्कुल क्लीयर है यार, हर चीज़ दिख रही है। पहाड़ बहुत प्यारे लग रहे हैं, कैमरा पता नहीं कैच कर पाऊगा कि नहीं, बट बहुत प्यारे है। सो लोग जड़े ये कंट्री जी है बिल्कुल लैंड लॉक कंट्री है, ये चारे पासे देश लगते हैं, कोई भी समुद्री बीच ये किनारे ते नहीं लगता। सो ता करके फिर लोग भी इतने इंजॉय करते हैं, मतलब यही बीच है उन्होंने लोकल लोगों का। सो या फिर उन्होंने किसी होर कंट्री इंडिया आना पैदा होना गोवा वगैरह
क्योंकि गोवा बहुत मशहूर है, गोवा अंडामान अपने बहुत मशहूर आ वधिया बीचेस ले या फिर मालदीव्स ऐसा बहुत कंट्रीज है गया। वैसे काफ़ी घूमती है नाल नाल, मतलब जिन्ना जिन्ना चौपन आता है लगता है ना, सो ये नाल नाल घूमती रहती है। वो कितों चल रही है यार, पिछों 100-150 किलोमीटर पिछों तो चल पी सी, सो नाल नाल आती जाती है, कई बार रोड भी ये नाल नाल। सो तुम किसी भी पार्ट से जा सकते हो, हम जिते मैं आया इतने भी वाटर स्पोर्ट वगैरह चल रहा, कितने चल रहा कितने नहीं चल रहा, पर तुम सारे जड़ो ना घूम सकते हो। जो तुम देखी इसा को लेक तो पिछले सारी वीडियो तुम इंजॉय की, बिश्केक तो आप चले मिनी बस फड़ के तुम आना चौलपोनाता उतर जाना, होस्टल चाहो तो बुक कर सकते हो, जो मर्जी कर लो इतने मिल जाएंगे। नॉर्मली रेट है 400-500, मैं यदा पे कर रहा 500 सोम इंडियन, 420 रुपये। ठीक है, तो आ इसा को लेक तो मौसम काफ़ी वधिया, सो मैं सोचा भी इस वीडियो इतें ही खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता थोड़ा वीडियो पसंद आई होगी, जो पसंद आई है तो कृपा करके लाइक कमेंट तो शेयर जरूर करो। तो आप हम कल चलेंगे काराकोल, काराकोल में भी ज़्यादा मज़ा आऊगा। चंगा जी, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली वीडियो। पिंड च नहीं साढ़े जो किसी के घर कुत्ता रखा हों, तो जो उन्होंने घर के नेड़ की कोई लंघता तो भौंकन लग जाता। और जो जाती वाली भी भौंक रहा, तो हूँ भी जो मैं आ रहा ने देख लिया नाल ही लग गया भौंकन, तो घर भी उदा अपने वाले पिंड के। इतों ये साबित होंगे भी बहुते टूरिस्ट नहीं इतने आते इस गलिया बच्चे, क्योंकि जो बहुते आते हूँ कुत्ते आदत पै जाती है, पता लग जाता भी यार इतने डेली तो आने जाना। सट्टा वटाव बंदा ही देखता कोई मेरे वर्गा।